सनीदेव को पिता विरोधी ग्रह माना जाता है। जानते हैं क्यों और कैसे? कहते हैं कि संज्ञा देवी के साथ सूर्यदेव का विवाह हुआ था, परंतु संज्ञा देवी सूर्यदेव का तेज नहीं सह पाई। उन्होंने अपनी छाया को जन्म दिया और अपने बच्चों को देखभाल के लिए छाया को छोड़कर चली गईं। छाया होने के कारण सूर्यदेव के तेज से छाया को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। जब सनीदेव छाया के गर्भ में थे, तब उन्होंने भगवान शंकर की ऐसी भक्ति की कि उन्हें खाने पीने तक का होश नहीं था, और इसका परिणाम यह हुआ कि सनीदेव का वरूण काला हो गया। अब जब सूर्यदेव ने सनीदेव को देखा तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा पुत्र नहीं। सनीदेव को जब यह पता चला तो वह आग बबूला हो गए। अपने माता के द्वारा किए गए तप की वजह से सारी शक्तियाँ सनीदेव के पास पहुँच गई थी, और उन्होंने गुस्से से जब अपने पिता को देखा तो उनका भी वर्ण काला पड़ गया। अब सूर्यदेव अपनी हालत देखकर भगवान शंकर की शरण में पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप ही कुछ करिए प्रभु। तब भगवान शंकर जी ने सूर्यदेव की गलती बताई और उनसे कहा कि अब आपको सनीदेव से क्षमा याचना करनी हो। इसके बाद सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र सनीदेव से क्षमा याचना की। यही कारण है कि सनीदेव को तब से पिता विरोधी माना जाता है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें।